मेंस पे करो, ऐसा ना हो कि दोनों हाथ से निकल जाए। बता रहे हैं वो टाइम बड़ी इजीली हाथ से निकल जाता है, हमने तो सब कुछ देखा है ना इतने सालों से। तो ऐसा ना हो कि सब कुछ हाथ से निकल जाए, इसे जनवरी वाला मेंस हाथ से मत निकलने देना, जनवरी या मार्च वाला, उसमें कम से कम 99 ले आओ ताकि कॉलेज को मिल जाए कोई 90 में 90, समझ में। और अभी ये सब मत सोचो 2 लाख का पैकेज, 1 लाख का पैकेज, अरे यार कहीं कुछ नहीं करना तो फिर इससे जो छोड़ो भी, हमने नेता ऐसा करी करो जाके इलेक्शन आने वाले तो छोड़ो फिर, नहीं तुम पहले से माइंड बना के रखे कुछ नहीं होना तो नेतागिरी करो जाके, फिर क्यों कर रहे हो? ये क्लियर हो रखो ना अपना माइंड किया, हाँ इसमें फायदा है तो मैं करूँ, नहीं फायदा है तो फिर छोड़ो, नेतागिरी करो जाके, इलेक्शन आने वाला है जाओ नेतागिरी ज्वाइन कर लो। लेकिन अगर तुमने माइंड पहले क्लियर कर लो, अगर हाँ करना है इसमें कुछ फायदा तुम्हें लग रहा है, करियर लग रहा है, और ऐसे तो नहीं दुनिया में इतने लोग हैं यार, दुनिया में इतने इंजीनियर्स का करियर। अब फोकस करो अगले जेई मेन पे, फोकस करो। जेई मेन टफ नहीं आता है, जेई में कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता है, जेई मेन में बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं। और तुम मुझे मालूम है अभी तुमको वो 30 क्वेश्चन दे दूंगा जेई मेन का पेपर, वो तुम 30 में 10-15 में अटक जाओगे, पूरा हो गया। यही तो बात है, सब हो जाते हैं हमसे, सब आते हैं, ऐसा भी तो करो आसान पेपर आता है। लेकिन पेपर में जब हम लोग जाते हैं तो पता नहीं हमारा क्या माइंड भ्रष्ट हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता एग्जाम में, एग्जाम में स्ट्रेस आ जाता है या एग्जाम में हम हो जाते हैं, हाँ तो पता नहीं एग्जाम में क्यों फिर ऐसे। इसी तो कह रहे एग्जाम में तो मान के चलो अपने नॉर्मल से परफॉर्मेंस से तुम 10-20% कम करोगे, हाँ ये सब होता है एग्जाम में, बहुत होता है। इसलिए कोई बात नहीं, जी मेन पे फोकस करो प्लीज, उसको कर लो मार्च में, उसके बाद मार्च से अक्टूबर के बीच में एडवांस में यही चीजें होती है, नहीं के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी मिक्स मत करो मेंस और एडवांस, और ये कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना हुआ तो बेबी पद पर कपूरथला में कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, रिजल्ट आएगा अगर तुम सही से बोलो, मैं जो बोल रहा हूँ फॉलो करोगे उससे बेटर रिजल्ट ले आओगे, कुछ नहीं होने वाला है, मतलब टाइम पास है, वो बहुत देखा पहले भी नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए सिर्फ मेंस पे फोकस करो, ठीक है अभी सिर्फ और सिर्फ मेंस, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन। हाँ सर, अभी मतलब अगर रिवीजन करना हो तो सिर्फ मेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अभी देखो मेंस के क्वेश्चन को अलग से नहीं है, एडवांस के क्वेश्चन को अलग से नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन लंबा लग रहा हो जिसमें 5 से 10 मिनट लग रहे हैं वो एडवांस का ही क्वेश्चन है, या उससे ज्यादा लग रहा हो, जिस क्वेश्चन में बहुत सारी मिक्स कॉन्सेप्ट है वो एडवांस का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन टू द पॉइंट हो स्पेसिफिक हो, और जो क्वेश्चन 2 मिनट के भीतर लग जाए 3 मिनट के भीतर लग जाए वही क्वेश्चन मेंस के जो तुरंत लग जाए। हाँ 3-4 लाइन के क्वेश्चन जेई मेन में 3-4 लाइन के क्वेश्चन है, और तुम देखो पेपर कैसा होता है मैं तुमको बता रहा हूँ, 25 में 20 क्वेश्चन जो कर लेते हैं उनके उस सब्जेक्ट में 99% से ऊपर आ जाते हैं, और बहुत कम लोग आते हैं इसके लिए, बहुत कम लोग ही कर पाते हैं एग्जाम लाइक कंडीशन में, है ना, एग्जाम लाइक कंडीशन बहुत कम लोग कर पाते हैं। कट ऑफ कितना जाता है जेई मेन का, जेई मेन का कट ऑफ जाता है 300 नंबर में 70 नंबर तक गया, 75 नंबर, मतलब एक 1/3 से भी कम, 100 नंबर ले आओ तुम्हारे तुम्हारे जेई मेन का कट ऑफ बता रहा हूँ, कट ऑफ होता है 55% के आसपास, 55% आता है 70 नंबर पे, यानी कि तुम बताओ 1/3 पेपर, यानी कि सोच रहे हो आधा पेपर लोग नहीं छू पाते हैं ज्यादातर जनता, तो इसका मतलब कि जेई मेन का पेपर बहुत ही चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ जेई मेन पे फोकस करो, अच्छे परसेंटाइल बना लो, बड़ा इजी है, उसके लिए तुमको कोई बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं कि तुमको लोग ये सब बातें हैं कि हम तुमको हाई फाई क्वेश्चन लगा देंगे, बातें और कुछ नहीं है, 10 क्वेश्चन टफ देख के आके उसके सोल्यूशन तुमको 10 क्वेश्चन करा दिए जाए तो तुमको उससे कोई तुम्हारी वो एबिलिटी डेवलप नहीं होती, आईटी में तो फिर से रैंडम 10 नए क्वेश्चन आएंगे, तो तुमको वो करने नहीं, हम तो ये बोलते हैं तुमको आसान क्वेश्चन करने हैं, वहां पे भी पेपर में जाके आसान क्वेश्चन करने हैं, ये सब बातें वही बताएगा जिसने खुद आईटी के पेपर ना दिया, वो तुमको बताएगा कि टफ टफ क्वेश्चन लगा लो, यूट्यूब वाले बताएंगे, लेकिन जो जिसने दिया होगा खुद पेपर को जानता है, जो खुद जिस दिया होगा उसे जानता है कि वो टफ क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं, आज मैं तुमको करा दूंगा भी उस टाइप के क्वेश्चन आने की गारंटी कितनी है, कितनी है, बिल्कुल नहीं है, 0 है। तो तुमको क्या करना है, आसान क्वेश्चन ही करने हैं, ऐसा नहीं है, लोग एससी वर्मा लोग जेई मेन सिर्फ एनसीआरटी लगा के 360 में 360 मिल रहा है, लगाना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन लगाना इसलिए नहीं हो जाएगी कि इरोडोल तुमने लगा ली तो तुम्हारा हो जाएगा, वो उस क्वेश्चन आने की कोई गारंटी नहीं, एक क्वेश्चन नहीं आएगा उसके, तुम इरोडोल लगा लो चाहे क्रोटो लगा लो चाहे ओटो बोटो जो जाए लगा लो, कुछ नहीं होना उससे, तुमको करना है सिंपल क्वेश्चन को प्रैक्टिस और सिंपल क्वेश्चन को टारगेट, जिस दिन ये समझ जाओगे जितनी जल्दी बात समझ जाओगे उतनी जल्दी तुम रिजल्ट के पास पहुंचोगे, और वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, तुम करके देख लो एक बार, धोखा धोखा खा के धक्का खा के गिर के देख लो, चाहो कि तुम बहुत टप टप लगाओ धक्का खाओ नहीं हो आईआईटी में दूर दूर तक, फिर अगली बार सोचा यार यही कर लिया होता है सारा सर क्वेश्चन तो हो जाता है,
तब तुम्हारा आया क्या, चलो कुछ नहीं सर ये तो सही, 4-5 हजार रैंक आ गए, कुछ तो मिल गया हमारा, तो तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी जल्दी अच्छा है। लेकिन अब क्या है? इसलिए तो 99 टाइगर को जेईई मेन में कट ऑफ तो 55% डाल होता है, मैं तो 99 बोल रहा हूँ, अच्छे कॉलेज के तो 99। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर हाँ बिल्कुल अच्छी बात, साइंस के लिए कितना हाँ कट ऑफ जाता है? रिवाइज कर लेते हैं ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में हम लोगों ने क्या क्या किया था एक बार फिर से बता दूं। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, 3 टर्मिनल होते हैं। अब बोलना मत, सीधे सुनते रहना क्योंकि जल्दी से ये चैप्टर खत्म करते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर बेस कलेक्टर। क्या होते हैं? इमीटर बेस कलेक्टर। अब बनेगा ट्रांजिस्टर पी टाइप या एन टाइप से, तो 2P 1N से बना तो उसको पीएनपी कहते हैं। पीएनपी में इमीटर भी पी, कलेक्टर भी पी, बेस बनेगा इनका। और पी में खूब सारे होल्स होते हैं, होल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जिधर पॉजिटिव चार्ज चलेंगे इमीटर से कलेक्टर वही करंट चलेगी। तो उसका सिंबल ये वाला है जो लेफ्ट वाला है, ये वाला पीएनपी ट्रांजिस्टर इमीटर से बेस की तरफ एरो है, तो इमीटर से बेस की तरफ क्या चल रही है? करंट। करंट मतलब होल्स, तो होल्स जिधर चले वही करंट है। लेकिन अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता तो जिधर एन से पी की तरफ इमीटर से बेस की तरफ इलेक्ट्रॉन चलते, करंट उसके उल्टी चलती, करंट उसके उल्टे चलती। तो देखो इमीटर से बेस में इलेक्ट्रॉन चले हैं बट करंट उसके अपोजिट है, तो ये तुम्हारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। तो पीएनपी में एरो अंदर की तरफ दिखा दो और एनपीएन में एरो बाहर की तरफ, ठीक है। अब ये जो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं इमीटर बेस कलेक्टर, मैंने तुमको बताया था इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सैंडविच की तरह, किसकी तरह? दो बड़े और बीच में एक पकील है। इमीटर खूब सारा डोपिंग करने है, खूब सारा डोपिंग, हैवली डोप, क्योंकि जितना ज्यादा डोप होगा उतना उसके पास क्या है? होल्स और इलेक्ट्रॉन चलने के लिए देगा। कलेक्टर खूब बड़ा है, कलेक्टर कलेक्ट कर रहा है, गोल कीपर है, उसको क्या करना है? एरिया बड़ा रखना है। क्या बड़ा रखना है? एरिया। और बेस क्या है? बेस है ट्रैफिक कंट्रोलर, तो राय पे खड़ा है आने जाने का, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, रेड सिग्नल बंद, ग्रीन सिग्नल ऑन, है ना। तो वो क्या है? ट्रैफिक कंट्रोलर है, तो उसको बस पतला सा रखना है, पतला सा ऐसा रखना है, पतला। और डोपिंग भी कम रखनी है, क्यों? क्योंकि अगर डोपिंग कर दी वो वैसे ही अपोजिट होता है, पी एन पी में पी के अपोजिट, एन पी एन में एन के अपोजिट, तो वो क्या करेगा? अगर डोपिंग ज्यादा करेगा तो वो अपोजिट टाइप के होल्स के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के होल्ड, वो उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, रिकम्बाइन कोशिश करेंगे। वो हमें रिकम्बिनेशन नहीं होने देना है, हमें उन्हें पास कराना है, हमें उन्हें मीटर से कलेक्टर पहुंचाना है, मीटर से कलेक्टर, ठीक। तो बेस थिन रखते हैं, क्या रखते हैं? तो लिखा बेस वेरी वेरी थिन, ये बात समझ में आ गई थी। अब मैंने तुमको बताते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर काम कैसे करते हैं। तो पीएनपी को काम में लाने के लिए ही हम क्या करते हैं, जो पहला वाला पीएन जंक्शन डायोड है उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, और दूसरा वाला जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको रिवर्स बायस करते हैं। क्या करते हैं? रिवर्स। तो जो पहला वाला पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस किया जाता है, तो उससे क्या होगा? फॉरवर्ड बायस से पी से चार्ज चलने लगेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में करंट देता है। कौन सी करंट देता है? डिफ्यूजन। कौन सी करंट देता है? डिफ्यूजन। तो तुमको मालूम है कि ट्रांजिस्टर जो है वो बना तो पी टाइप और एन टाइप से है ना। तो अब मैं तुमको अगर ये बोलूं कि एक ट्रांजिस्टर बराबर या एक ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू 2 PN जंक्शन डायोड, एक ट्रांजिस्टर किसके इक्वल है? 2 PN जंक्शन डायोड्स के इक्वल है। एक लेफ्ट वाला पीएन जंक्शन डायोड और एक राइट वाला। तो डायोड में तो करंट और वोल्टेज का ग्राफ ऐसे ही तो बनता था जो मैंने नीचे बनाया हुआ है, ये तो था करंट वोल्टेज फॉरवर्ड बायस। तो पहला वाला जो फॉरवर्ड बायस है बायस, उसमें तुम जैसे जैसे बेस और इमीटर का वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे का मतलब क्या है? कट ऑफ वोल्टेज होता है, नी वोल्टेज होता है, नी वोल्टेज के बाद ही तो बहुत तेजी से बढ़ती है, और एक लिमिट के बाद ये ग्राफ तो बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो वहां पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो, फिर लो हो जाता है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि जैसे ये जो बेस और इमीटर के बीच में जो वोल्टेज है वो अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम है, नहीं वोल्टेज, मैं सिलिकॉन की वैल्यू बता देता हूँ, 0.6 वोल्ट होती है। कितनी होती है? 0.6 वोल्ट से जब कम है तो ये कोई बहुत ज्यादा होल्स नहीं निकाल रहा है, बहुत कम करंट दे रहा है। और अगर तुम्हारा बहुत कम करंट होगी इस सर्किट में मीटर से बेस की तरफ, तो कलेक्टर में बहुत कम करंट होगी, और कलेक्टर बहुत कम करंट है यानी कि ये तुम्हारा एक तरीके से बंद पड़ा हुआ है, ये तुम्हारा ट्रांजिस्टर में कोई आउटपुट नहीं है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में। किस स्टेट में? कट ऑफ। अब तुमने बेस का वोल्टेज बढ़ाया, बेस का वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा? ये जो इमीटर और बेस का बीच का वोल्टेज है उसकी फॉरवर्ड बायस और ज्यादा वोल्टेज, ये तुम्हारा टेक ऑफ कर जाएगा, प्लेन चल पड़ा, तेजी से करंट बढ़ने लगी। और जितना तुम वोल्टेज चेंज करोगे करंट उतनी तेजी से बढ़ेगी। तो होता क्या है कि डायोड जो होता है ना वो तो भाई ऑन ऑफ बिल्कुल जीरो और इन्फिनिटी के बीच में काम करता है,
तो एक बार डायोड में तुमने वोल्टेज नी वोल्टेज के ऊपर ले गए तो जरा सा वोल्टेज में चेंज, जरा सा वोल्टेज में चेंज, जरा सा वोल्टेज में चेंज कौन सा? इमीटर और बेस के बीच का। अब इमीटर और बेस के बीच का मतलब या तो इमीटर या तो बेस या तो दोनों। तो मैं तुमसे बोल दूं कि इमीटर को रेफरेंस मान के सेट कर दो, फिक्स कर दो, तो चेंज किसको करो? बेस। तो बेस का जरा सा चेंज करंट में बहुत तेजी से चेंज लाएगा, और बेस की करंट जब तेजी से चेंज होगी, ये जो इनपुट सर्किट में करंट तेजी से चेंज होगी, तो वही तो कलेक्टर में जा रही है, वही तो कलेक्टर में जा रही है। तो बेस के वोल्टेज का छोटा सा चेंज कलेक्टर के करंट में बहुत लार्ज चेंज को ड्राइव करता है, समझ में आया? और ये जो स्टेट है, ये जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, जहां पे छोटा सा वोल्टेज का चेंज करंट में बहुत बड़ा चेंज करता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर का एक्टिव मोड। कौन सा मोड? एक्टिव मोड, ठीक। और जो पहले जब ट्रांजिस्टर बंद पड़ा था, छोटा वोल्टेज, छोटी करंट, नेगलिजिबल करंट, उसको बोलते हैं कट ऑफ। क्या बोलते हैं? कट ऑफ। और एक लिमिट के बाद जब तुम्हारा फ्री फ्लो हो जाएगा, एक बार इतना वोल्टेज बढ़ा दो कि तुम्हारी करंट बिल्कुल इन्फिनिटी की तरफ भागने लगी, तो वो सैचुरेशन हो गया। क्या हो गया? सैचुरेशन। अब वो इधर देखो मेरी तरफ, अब ये जब सैचुरेशन पे पहुंच गया, तो जितने तुम्हारे इमीटर से तुम्हारे निकल रहे हो, सब कलेक्टर पे पहुंचे जा रहे हैं। अब तुम वोल्टेज बढ़ा दो, जितने हैं होल्स वहां पे चार्ज कर रहे, उतने ही तो तुम निकाल दोगे, उससे ज्यादा तो ना कर दोगे, तो सैचुरेशन नहीं आता है पीएन जंक्शन डायोड में। वैसे यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगा। क्या जाएगा? आ जाएगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। भाई चार्ज कर रहे जितने पैदा हो रहे हैं, उतने ही तो तुम मैक्सिमम निकाल सकते हो। धक्का देके 500 है तो 500 ही तो निकाल सकते हो, पहले 0 से 100, 100 से 200, 200 से 500, 500 से ज्यादा थोड़ी ना पैदा करोगे। तो एक लिमिट के बाद सैचुरेशन आ जाता है। क्या आता है? सैचुरेशन। तो अब ये जो ट्रांजिस्टर है, वो एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, इसीलिए वहां पे तुम्हारा वोल्टेज के छोटे से चेंज से डायोड तेजी से भागते हैं, इसीलिए ट्रांजिस्टर में तेजी से भागते हैं। और अब हम इमीटर और बेस के बीच के वोल्टेज को मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ, जानबूझ के हम इमीटर को रेफरेंस मानते हैं और वोल्टेज बेस पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? बेस। बेस के छोटे से वोल्टेज से चेंज, बेस की करंट में चेंज, और कलेक्टर की करंट में बहुत बड़े चेंज को ड्राइव करता है। तो जो ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन है, उसको एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह? एम्पलीफायर। गाना भी था ना, मैं तेरा एम्पलीफायर, सुना कि नहीं? नहीं सुना? अच्छा, मैं एम्पलीफायर लेके आता हूँ, आज नहीं लाया हूँ, वो एम्पलीफायर ही तो है, वो जो स्पीकर है वो एम्पलीफायर ही तो है। तो मैं जो बोलूंगा वो साउंड एनर्जी है, उस साउंड एनर्जी को वो जो डिवाइस होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती होगी करंट में, और वो डालती होगी बेस के सर्किट में, उसमें ट्रांजिस्टर लगा होगा, वो किस में डालती होगी? बेस। और जो स्पीकर है जो तुमको सुनाई देगा, वो लगा होगा कलेक्टर पे। कहाँ लगा होगा? कलेक्टर। तो वो क्या करेगा? बेस के छोटे से सिग्नल को कलेक्टर के बड़े से सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो वो तुमको बड़े से सिग्नल जो मिलेंगे, बड़े वोल्टेज, बड़ी करंट, बड़े पावर, बड़ी एनर्जी, ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा लाउड, वो तुम्हारा कलेक्टर से आउटपुट तुमको मिल जाएगा। और ट्रांजिस्टर हर सर्किट में यूज होते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे रेडियो हो, चाहे ये जो मैं लेके घूमता हूँ, इन सब में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एक्ट करता है। तो ट्रांजिस्टर का स्विच की तरह कोई ऑपरेशन में नहीं है। स्विच तो डायोड काम कर जाता है ना, फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड में ऑन, रिवर्स में ऑफ। तो ट्रांजिस्टर का मेन जो ऑपरेशन होता है वो एज एन एम्पलीफायर होता है। क्या होता है? एज एन एम्पलीफायर। बेस के छोटे से वोल्टेज के चेंज को कलेक्टर में बहुत लार्ज चेंज के फॉर्म में आना। तो एक मैंने तुमको बताया था आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये रिलेशन बताया था कि इमीटर से जो करंट निकलेगी वही तो बेस और कलेक्टर में बटेगी। तो इमीटर से जो करंट निकलती है वो बेस और कलेक्टर में बटती है। I is equal to IB plus IC. अब मैं तुमसे बोलूं कि इमीटर को भूल जाओ, बेस में थोड़ा सा चेंज करो वोल्टेज में, बेस में करंट में छोटा सा चेंज करो डेल्टा IB, तो कलेक्टर में बहुत बड़ा चेंज मिल रहा है डेल्टा IC, कलेक्टर में बहुत बड़ा चेंज मिल रहा है डेल्टा IC, तो डेल्टा IC कलेक्टर यानी कि आउटपुट, और डेल्टा IB बेस यानी कि इनपुट। आउटपुट में चेंज इनपुट के चेंज से बहुत ज्यादा, डेल्टा आई सी डेल्टा आई बी से बहुत ज्यादा। कितना बहुत ज्यादा? करीब समझ लो कि 100 गुना ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 100 टाइम्स। ये ट्रांजिस्टर ऐसे नॉर्मली ऑपरेट करते हैं। तो जो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी है, उसको बोलते हैं करंट गेन। क्या बोलते हैं? करंट गेन। करंट गेन बीटा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। कलेक्टर आउटपुट, बेस इनपुट, और इमीटर दोनों सर्किट में कॉमन, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन इमीटर करंट। एक फर्जी करंट गेन है, क्योंकि वो गेन नहीं, नाम में लिखा है गेन लेकिन वो गेन नहीं है, खुद ही बोला फर्जी है।
वो क्वेश्चन करते वक्त यूज होता है, वो होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई। अब कलेक्टर की करंट तो हमेशा मीटर करंट से छोटी होती है, ये वैल्यू हमेशा वन से छोटी है, कलेक्टर में चेंजेस भी छोटे होंगे भाई, ये अगर इसमें डेल्टा लगा दो दोनों साइड तो ये क्या बनेगा, डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आई प्लस डेल्टा आई सी, तो डेल्टा आई सी तो डेल्टा आई सी हमेशा छोटा ही होगा, इसका तो पार्ट है वो, तो वो हमेशा वन से छोटा है। तो अब ये जो अल्फा है आई सी अपन आई, इसको क्या नाम दिया जाएगा, अगर ये कॉमन इमीटर करंट के अंदर तो इसका क्या नाम होगा बताओ, बिल्कुल सही, कॉमन बेस। तो क्या बोलेंगे, कॉमन बेस करंट गेन, क्या बोलेंगे, कॉमन बेस करंट, ठीक। तो एक कॉमन बेस करंट गेन होता है, ऐसे याद रखना, कुछ याद नहीं रखना, कॉमन बेस, बेस कॉमन, तो आउटपुट कहां पे कलेक्टर, इनपुट कहां पे इमीटर, तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा, इसको अल्फा बोलेंगे क्योंकि वन से छोटा है, तो वो फर्जी वाला है। एक्चुअल करंट गेन कौन है, बीटा, कॉमन इमीटर आई सी अपॉन आई बी, ठीक। आपस में रिलेशन भी निकाल सकते हैं, क्या रिलेशन है देखो, अगर मैं लिखूं डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी, और दोनों साइड डेल्टा आई सी से डिवाइड कर दूं, तो डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी, डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी प्लस वन। अच्छा ये क्या चीज है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई सी क्या चीज है, ये अल्फा है कि वन अपॉन अल्फा, और डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी क्या है, तो वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा प्लस वन, वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फा माइनस वन, वन माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। जैसे मान लो अल्फा तुमको दे रखा है 0.9, तो 0.9 अपॉन वन माइनस 0.9, तो 0.9 अपॉन वन में से 0.9 गया तो 0.1, तो 0.9 अपॉन 0.1 कितना 9, ऐसे निकाल लोगे। तो इस टाइप के मैंने देखो एक क्वेश्चन भी वैसे वही चीज लिखी हुई है, अल्फा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई, बीटा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, और इन्होंने लिखा है देखो अल्फा 0.9 से 0.99 के बीच में है, बीटा 20 से 200 के बीच में ही, बस खाली रेंज है, 100 मैंने बताया था एवरेज वैल्यू 100 है, और बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होता है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो जैसे अल्फा मान लो 0.99 है, तो बीटा बनेगा 0.99 अपॉन 1 माइनस 0.99, तो 0.99 अपॉन 0.01 कितना बन जाएगा 90, समझे। तो ये याद रखना, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इक्का दुक्का तो मिरेकल बनते इसी चीज पे बनते। आगे बढ़ते हैं, यही तो रहा था। हाँ बोलो सर, ये अल्फा आई बी अपॉन आई होना चाहिए ना, अल्फा क्या होना चाहिए, आई बी अपॉन आई, सर वो बेस का अल्फा बेटा बन रहा था, आई सी अपॉन आई होता है, क्या बोल रहे हो भाई, फिर से बोलो सर, ये कॉमन बेस करंट गेन है ना सर, तो आई बी नहीं हो सकता यहाँ पे, अरे कॉमन बेस का मतलब बेस किसी सर्किट में नहीं, ना आउटपुट ना इनपुट, कलेक्टर पे आउटपुट, इमीटर पे इनपुट, ठीक है, कॉमन इमीटर में इमीटर कहीं नहीं है, कलेक्टर और बेस है, जो कॉमन होता है वो कहाँ आता है फॉर्मूले में, यस। चलो तो ट्रांजिस्टर के तीन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, क्योंकि देखो ऐसा है कि किसी एक चीज को कॉमन बनाना पड़ेगा, एक जगह इनपुट डालोगे एक जगह आउटपुट डालोगे, तो कुछ जो तीसरा बचा उसको छोड़ दो ना, तो सर्किट में करंट के लिए उसको इनपुट या आउटपुट सर्किट में कॉमन रखना पड़ेगा। तो एक होता है कॉमन इमीटर, एक होता है कॉमन बेस, एक होता है कॉमन कलेक्टर। कॉमन सबसे पहले कॉमन बेस, अगर बेस कॉमन लोगे तो आउटपुट लोगे कलेक्टर पे, मैं तुम्हें तुम्हें से पूछो, बेस कॉमन है तो आउटपुट कहां लोगे, इनपुट कहां दोगे, इमीटर, इनपुट पे इमीटर जो कि ज्यादा है, और आउटपुट पे कलेक्टर जो कि इनपुट से कम है, तो इसका लिए बेकार है, इसलिए कॉमन बेस हमारे लिए किसी काम का नहीं, बस ये कल बताने के लिए कैसा हो सकता है। अच्छा कॉमन कलेक्टर, अगर कॉमन कलेक्टर होता तो वह तो बताओ आउटपुट कहां लेते, इनपुट कहां लेते हैं कॉमन कलेक्टर में, सर इनपुट लेते कलेक्टर पे, अरे यार कॉमन कॉमन कैसे कलेक्टर पे ले लेते यार, अरे अगर सॉरी जो चीज कॉमन है वो थोड़ी ना ली जाती है, वो इनपुट आउटपुट नहीं है, जो चीज कॉमन है वो नहीं आएगी इनपुट आउटपुट पे, अगर कॉमन कलेक्टर है तो कलेक्टर तो कॉमन है, तो आउटपुट कहां बनेगा बेस, और इनपुट कहां बनेगा इमीटर, तो ये तो और बेकार है, बेस तो सबसे सबसे कम देता है, तो इसका सबसे काम का कौन है इसमें, कॉमन इमीटर। तो उबैर ये बता सकते हो कॉमन इमीटर में कौन बनेगा, यस सर, सर बेस पर इनपुट लेंगे और कलेक्टर पे आउटपुट, हाँ कॉमन इमीटर में क्या होगा, बेस पे इनपुट और कलेक्टर पे आउटपुट, ठीक। तो ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन
ये सर्किट है उसका और यही यूज किया जाता है। अब ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में तुमको बताने जा रहा हूँ, समझो। देखो तो जहां बैठ जाओ, इधर आ जाओ, उसे बंद तो वही बैठ जाओ। जाओ फिर एक बंदा बोलो, फिर जिसको बोलना बोलो। कॉमन इमीटर नहीं, जय तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हो। कॉमन इमीटर कनेक्शन मैं रुकूंगा नहीं, पढ़ाता रहूंगा। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। इमीटर को दोनों सर्किट में रखा है, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। जिसको भी कॉमन करते हैं उसको रेफरेंस पोटेंशियल जीरो दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम इनपुट इमीटर पे नहीं लगाएंगे, इनपुट किस पे लगाएंगे? बेस है, वो इमीटर और बेस के बीच में, बट रेफरेंस पोटेंशियल तो ऐसे होता है ना, एक को रेफरेंस बनाना पड़ता है। इमीटर को रेफरेंस बना दिया जीरो, बेस पे एक वोल्टेज लगाया। जब ट्रांजिस्टर को चलाना होता है तो पहला वाला फॉरवर्ड बायस रखा जाता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब है ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जहां पे ये पी है, ये एन है, ये पी है, तो इस पीएन जंक्शन में पी को रखो पॉजिटिव, एन को रखो निगेटिव। ये बात समझ में आई? पी को क्या रखा? पॉजिटिव। एन को क्या रखा? निगेटिव। बोले बात समझ में आई? तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इमीटर से होल्स निकले, इमीटर से करंट निकली आई ई, अभी दो पार्ट्स में चली गई आई बी और आई सी, दो पार्ट्स में टूट गई। आई बी वाली चली गई इधर, आई सी वाली चली गई इधर। आई सी वाले को एक आउटपुट रेजिस्टेंस, जिसको मैं लोड रेजिस्टेंस बोलूंगा, और इन्होंने आर टू लिखा, मैं इसको आर एल से दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? आर एल पे हमने ये लोड पे ये करंट डाल दी, आई सी लोड पे क्या करंट डाल दी? आई सी। और बेस करंट एक इनपुट रेजिस्टेंस R1 लिखा, मैं इसको RI लिखूंगा, I फॉर इनपुट, RI पे डाल दी बेस करंट। और बेस पे एक तो VB VC जो दिख रहे हैं, ये वोल्टेज लगे बेस और कलेक्टर पे, तो ये वाले वोल्टेज कौन है? तो पहला वाला जंक्शन फॉरवर्ड है और दूसरा वाला रिवर्स है, मिलाओ। ये वाला P देखो नेगेटिव से लगा है, कैसे लगा है? नेगेटिव। देखो यहां से होल निकलेंगे, कलेक्टर उसको खींच ले, इसलिए उसको यहाँ पे नेगेटिव रखा गया। ये नेगेटिव जो होल उसको अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव होल्स को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो क्या होगा, पहला फॉरवर्ड, जब भी ट्रांजिस्टर को चलाना होता है तो पहला वाला पी जंक्शन कौन सा रखते हैं? फॉरवर्ड। दूसरा वाला कौन सा? रिवर्स। अब मुझे बताओ, यहां से ये होल चल रही, बेस और कलेक्टर में टूटे, ज्यादातर किसमें गए? बेस की तरफ गए कि कलेक्टर की तरफ? कलेक्टर की तरफ। बेस तो हम लोग फिर रखते हैं, ये तो खाली सिंबल है, एक्चुअल में तो तुम्हारा वही तीन जो डब्बे बनाते हैं वही वाला है। अब यहां से तुम्हारी कलेक्टर की तरफ जा रहा है सर्किट, बेस में थोड़ा सा जा रहा है, लेकिन तुमको ये मालूम है कि बेस वाला जो है वो बेसिकली बेस नहीं है, वो बेस और इमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और बेस और इमीटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर तुम उसका ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे देखो एक ग्राफ है, ये सब हटा देता हूँ, फिर से बिगिनिंग से बताता हूँ। ये जो तुम्हारा है बेस और इमीटर के बीच का जो ग्राफ है, ये बेटा अगर मैं बेस का वोल्टेज बढ़ाऊंगा, तो अभी मैं तुमको बताया था कि फॉरवर्ड बायस में कैसा ग्राफ बनता है, तो पहले तो धीरे धीरे करंट बढ़ती, फिर बहुत तेजी से बढ़ती है। तो अगर तुम बेस का वोल्टेज बढ़ाओगे तो एक लिमिट के बाद बहुत तेजी से वोल्टेज बढ़ेगा और तेजी से थोड़ी सॉरी तेजी से करंट बढ़ेगी। तो क्या होगा, बेस का वोल्टेज बढ़ाया, ये जो इसको वीबी बोल रहे हैं, ये बेस का वोल्टेज नहीं है, ये इमीटर और बेस के बीच का है, इमीटर को रेफरेंस माना इसलिए उसको बेस बोल रहे हैं। ये किसका, ये तो कौन सा वोल्टेज लिखा है? ये इमीटर और बेस के बीच का है। तो इमीटर और बेस के बीच में वोल्टेज चेंज करने से तो इनपुट में करंट आईबी चेंज होती है, इसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो कैसे होगा, फॉरवर्ड बायस का ग्राफ तो याद है ना, ऐसे तो होता है, पहले ऐसे और फिर ऐसे, याद है कि नहीं? पहले धीरे धीरे बढ़ता फिर तेजी से। तो ये कौन सा ग्राफ बनाए, कोई नया ग्राफ बनाए कि पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस है, पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस, ये वही तो ग्राफ बना हुआ है। ये बात समझ आई? समझ आई? अब मुझे बताओ, मैं पहले वोल्टेज जब कम रखूंगा तो क्या बेस करंट बहुत ज्यादा मिलेगी? पहले बहुत कम मिलेगी, कम मिलेगी। तो अगर मैं एक काम करूं, एक चालाकी करूं, बेस के वोल्टेज को जैसे सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है 0.6 से कम रख दो, तो 0.6 से कम रखने पे तुम्हें बेस में बहुत कम करंट मिलेगी। अगर बेस में बहुत कम करंट है
और निकली ही तुम्हारी इनपुट सर्किट में कम करंट है तो कलेक्टर में भी कम करंट मिलेगी, तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रहेगा, कैसे रहेगा कट ऑफ। ट्रांजिस्टर को 0.6 वोल्ट से कम कर दो सिलिकॉन वाले को तो कोई कलेक्टर में करंट ही नहीं है, ट्रांजिस्टर बंद पड़ा, डब्बा कट ऑफ, नेग्लिजिबल करंट। लेकिन एक बार तुमने 0.6 से बड़ा वोल्ट किया तो धड़ल्ले से करंट बढ़ती तेजी से, डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया होगा, बैरियर टूट गया होगा, क्या टूट गया होगा बैरियर, तो करंट बड़ी तेजी से बढ़ी, वही देखो करंट तेजी से बढ़ती हुई जा रही है, बस में आई। अब ये करंट बहुत तेजी से बढ़ते हुए जा रही है, तो अब मुझे ये बताओ आईबी जब बढ़ेगी तो आईबी और आईसी में रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल टू आईसी अपॉन आईबी, बीटा इज इक्वल टू आईसी अपॉन आईबी। तो अगर आईबी बढ़ेगी तो आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आईबी, आईबी अगर बढ़ेगी तो उसका बीटा टाइम्स आईसी भी बढ़ेगा, अगर आई बी बढ़ेगी तो उसका बीटा टाइम्स आईसी भी बढ़ेगा। और थोड़ी देर पहले बताया कि बीटा की जो वैल्यू होती है वो देखो बीटा रेंजेस फ्रॉम 20 to 200, मैंने एवरेज वैल्यू 100 बताई थी, कितनी बताई थी 100, तो यानी कि जितना आई बी बढ़ेगा उसका 100 टाइम्स आईसी बढ़ेगा, और अगर आईसी बढ़ेगा तो आईसी इंटू आर टू वोल्टेज भी बढ़ेगा। अब मैं तुमसे बोलूं कि जो लोड रेजिस्टेंस वो काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस बनाना बड़ा आसान है, कोई भी इंसुलेटर लगा दो कार्बन टाइप का, कार्बन क्या होता है इंसुलेटर, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस देगा करंट में, तो जितना बड़ा है रेजिस्टेंस होगा तो उतना बड़ा यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तुमको मालूम है कि आउटपुट में जो वोल्टेज होगा वो होगा V इक्वल टू आई आर, आई यानी कि आईसी और आर कितना आर एल, जो मैं तुम्हें बोला था एम्पलीफायर लगा होता है उसमें क्या होता है वो लोड पे बड़ा रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं, उससे क्या होता है ये जो करंट आईसी है वैसे ही आईबी से ज्यादा है, ऊपर से हम लोड का रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस से बड़ा लिख देंगे तो आईआर भी ज्यादा हो जाएगा, आईआर ज्यादा हो जाएगा तो वोल्टेज कैसे हो जाएगा ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा करंट ज्यादा तो पावर क्या होता है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन, तो पावर भी ज्यादा, पावर क्या होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो लाउडनेस भी ज्यादा, लाउडनेस से ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी, पर मैं एक नहीं आया। तो अब तुम्हारा ये जो वोल्टेज है ये जो आईसी इंटू आर एल है इसका अगर ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ बनाए तो मान लो मैंने यहाँ पे वीसी आउटपुट का ग्राफ बनाया और कलेक्टर करंट का ग्राफ बनाया, तो देखो बेटा वीसी काम क्या कर रहा है, वीसी कर रहा है इमीटर से जो होल आ रहा है उनको खींचने का काम कर रहा है, तो पहले जब तुम्हें वोल्टेज बढ़ाओगे तो कलेक्टर की करंट बढ़ेगी क्योंकि जो होल नहीं भी आ रहे थे खींचे वो चले आएंगे उसके पास, लेकिन एक लिमिट के बाद तुमको मालूम है जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता था, एक लिमिट के बाद कलेक्टर का कलेक्टर एक प्लेट है तो खींच रही है, एक लिमिट के बाद उसके वोल्टेज को बढ़ाने के बाद कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जितने होल्स निकल रहे थे सबके सब खींच जाएंगे, तो एक लिमिट के बाद यहाँ पे सैचुरेशन आ जाता है, क्या जाता है सैचुरेशन, तो ये है तुम्हारा इनपुट का ग्राफ, ये है आउटपुट का ग्राफ, और आईवी का जब भी ग्राफ बना होता है तो उसको करैक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं, जैसे डायोड का करैक्टरिस्टिक ग्राफ बना था आईवी वाला ऐसे बढ़ जाता है और रिवर्स में ऐसे जनरल ब्रेकडाउन वाला, पता है कुछ पता क्या, तो बस ये तुम्हारा ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक है। तो अब इस ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक में देखो ध्यान से, पहले मैंने तुमको बताया था कि करंट गेन कितना हुआ, करंट गेन कितना हुआ बेटा, करंट गेन IC अपॉन IB की वैल्यू को क्या बोलते हैं बीटा, अगर करंट गेन बीटा है तो वोल्टेज गेन कितना है, तो वोल्टेज गेन कितना हुआ, वोल्टेज गेन का मतलब क्या, पहले तो ये बता दो करंट गेन का मतलब क्या है, गेन किस चीज को बोलते हो, तुम्हारे पास 10 रुपए थे आज 50 रुपए हो गए तो तुम बोलोगे गेन हो गए, तो एक तो तरीका ये कि कितना हुआ तो तुम बोलोगे 40 रुपीज का गेन है, और एक हुआ कितने टाइम्स हुआ, कितना हुआ 10 रुपीज से 50 होगा कितना हुआ 5 टाइम्स, तो गेन को यहाँ पे टाइम्स समझो, मल्टीप्लीकेशन समझो, ठीक है। तो करंट जो पहले आईबी होती थी वो तुम्हें बीटा टाइम्स आईबी मिल रही है, आईसी कितना है बीटा टाइम्स आईबी, तो करंट गेन कितनी, कितने टाइम्स तुम्हारी करंट बढ़ के मिल रही है बीटा टाइम्स, तो करंट गेन है बीटा, करंट गेन क्या है बीटा। वोल्टेज गेन कितना हो रहा है, तो मुझे बताओ वोल्टेज गेन क्या चीज है, वोल्टेज गेन है क्या, फिर से बोल रहा हूँ मैंने बोला कि कितने टाइम्स तुम्हारा वोल्टेज बढ़ जा रहा है, क्या मेरा आउटपुट पे वोल्टेज ये आईसी इंटू आर एल, देखो आईसी इंटू आर एल, इनपुट पे वोल्टेज कितना है IB into RI, I for input, L for load, I for input, L for load, तो बेटा ये जो IC upon IB इसको बीटा लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा बीटा मल्टीप्लाइड बाई RL upon RI। तो अगर तुमको आउटपुट पे ज्यादा वोल्टेज गेन चाहिए तो तुम बीटा तो ज्यादा बढ़ाओ ही, अगर तुम ऐसा ट्रांजिस्टर ढूंढ सकते हो, और ये भी करो कि लोड को इनपुट से बड़ा रेजिस्टेंस लगा दो, लोड पे इनपुट से बड़ा, तो इसलिए वोल्टेज गेन होता है बीटा इंटू RL बाई RI। अब मुझे बताओ एक सर्किट में तुमने वोल्टेज 10 गुना बढ़ा दिया, करंट 2 गुना बढ़ा दी, तो पावर कितने टाइम्स बढ़ गया 20 गुना, है ना। मैंने क्या बोला वोल्टेज 10 टाइम्स बढ़ा दी और करंट 2 टाइम्स बढ़ा दी, तो पावर कितने टाइम्स बढ़ गया 20 टाइम्स। तो अगर मुझसे कोई पूछे पावर गेन कितना हुआ,
पावर ही तो है एनर्जी पर यूनिट टाइम, जो ही तो डिसाइड करता है सब कुछ। गेन तो बेसिकली एनर्जी का होना चाहिए ना पावर का, तो पावर गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, तो करंट गेन कितनी थी बीटा, वोल्टेज गेन कितना था बीटा आर एल बाई आर आई, तो पावर गेन का फॉर्मूला क्या होता है बीटा स्क्वायर आर एल बाई आर। ट्रांजिस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पावर गेन का फॉर्मूला क्या होता है बीटा स्क्वायर आर एल बाई आर। तो बस इसका पावर गेन का मतलब क्या है, एनर्जी बढ़ना। एनर्जी का बढ़ने का मतलब तुम अगर एक सिग्नल डालोगे इनपुट सिग्नल कुछ ऐसा इनपुट में, तो उसका बीटा स्क्वायर आर एल बाई आर आई टाइम्स तुमको आउटपुट मिलेगा। इन्होंने तो ऐसा दिखा दिया आउटपुट इनपुट से थोड़ा ही बड़ा है, एक्चुअल में कई गुना बड़ा होता है। तुम खुद सोचो बीटा होता है 100 के आसपास, तो बीटा स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4 बन जाएगा। और लोड अगर इनपुट से 10 टाइम्स भी बड़ा कर दोगे तो 10 की पावर 4 इंटू 10 10 को 5 टाइम्स बड़ा मिल जाएगा। यानी कि तुम एक वॉट डालोगे वहां पे तुमको किलो मेगा वॉट मिलने लगेगा। समझाए, मिल सकता है अगर ऐसा सर्किट मिला, ये बात समझाई। तो ये तुम्हारा ट्रांजिस्टर का एज एन एम्पलीफायर रोल होता है, और इसको ट्रांजिस्टर के एज एन एम्पलीफायर रोल में मैंने तुमको बता ही दिया, ये तो पावर गेन और ये सब तो वही फॉर्मूले है। अच्छा, ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच भी चला सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, एज ए स्विच, एज ए स्विच है, सर वहां पर इनपुट एमिटर पर ले रहे थे आप, इनपुट एमिटर पे कहां लिया बेटा, दिखाओ सर, ये आपने एमिटर से बनाया ना सर, करंट एमिटर से बेस में, और तो करंट एमिटर से किसी भी ट्रांजिस्टर में जाएगी, लेकिन इनपुट क्या है, एमिटर तो जीरो पे है, एमिटर तो चेंज ही नहीं हो रहा है कभी, इनपुट बेस का वोल्टेज, एमिटर जीरो पे दिख रहा है, यस, एमिटर इनपुट क्या है, इनपुट एक वोल्टेज है, जब एमिटर हमेशा ही जीरो पे है तो इनपुट एमिटर कैसे हो सकता है। ओके सर, चलो अब आते हैं ट्रांजिस्टर का एज ए स्विच मोड में ऑपरेशन। देखो अभी बता रहा हूं, ये देखो ये इमीटर बेस कलेक्टर, ये ट्रांजिस्टर है, इमीटर कॉमन है, यहां पे अर्थिंग कर रखी है, इसको फॉरवर्ड बायस रखा गया है और इसको रिवर्स बायस रखा गया। अब ये बता रहा हूं कैसे पता चल रहा है, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एन है, ये बीच वाला पी है, ये एन है। मुझे कैसे पता चले एनपीएन है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर इमीटर से बेस की तरफ करंट हो तो वो पीएनपी होता है, और अगर बेस से इमीटर की तरफ एरो बना हो तो वो कौन सा होता है, एनपीएन। ठीक, अब ये जो एनपी है इसमें पी को पॉजिटिव दे दो और एन को क्या दे दो, फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। और इसमें जो तुम्हारा ये वाला एनपी है, ये वाला एनपी है, इसमें एन को अब जब यहां से तुम्हारा देखो इमीटर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इनको खींचने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये तुम्हारा एन को पॉजिटिव देना रिवर्स बायस है, तो ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स। अब सही, अब करते क्या है, मैं तुमको इस सर्किट में कुछ भी नया नहीं है, मेन जो चीज है वो ये है कि अगर मैं इनपुट में वोल्टेज लेस देन 0.6 रखूं, यानी कि जो इनपुट वाला वोल्टेज है वो लेस देन 0.6 वोल्ट है, तो बेस करंट बहुत छोटी मिलती है, हाँ चुन्नु मुन्नु टाइप की मिलती है। बेस करंट अगर जीरो है तो कलेक्टर करंट भी कैसी मिलेगी, जीरो। अगर कलेक्टर करंट बहुत कम मिलेगी तो यहां पे एक चीज देखो इस सर्किट में, इस सर्किट में ये जिसको वीओ इन्होंने लिखा वो इन दोनों टर्मिनल का वोल्टेज है, ये सर्किट थोड़ा सा बस डिफरेंस है, इन्होंने जिसको आउटपुट लिखा वो वीओ है। क्या तुम ये मुझे बता सकते हो कि यहां से यहां तक का जो वोल्टेज होगा, क्या मैं उसको ये लिख सकता हूं वीओ इज इक्वल टू वीसीसी, किच ऑफ इक्वेशन माइनस ए प्लस के वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी, लिख सकते हैं। तो अब मुझे बताओ कि कलेक्टर करंट अगर जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो है, तो आउटपुट जीरो है कि वीसीसी है, वीसीसी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू की, बाकी टाइम तो इससे कुछ माइनस ही होना है। तो जब तुम 0.6 वोल्ट से, देखो ये 0.6 लिखा हुआ है, 0.6 से कम वोल्टेज दोगे, बेस करंट कम होगी, कलेक्टर करंट कम होगी, तो आउटपुट में जो वोल्टेज है वो कैसा है, मैक्सिमम। ठीक, लेकिन कलेक्टर में करंट नहीं मिल रही इसलिए इसको बोलते कट ऑफ, क्या मिलते, कट ऑफ।
ये तो बोला था कि इलेक्टर में करंट ना मिले तो उसे कट ऑफ बोलते हैं, ये ऑप्शन में आएगा। अब तुमने क्या किया, बेस का वोल्टेज जो है वो 0.6 से ऊपर ले गए, ये था तुम्हारा फर्स्ट रीजन। सेकंड में तुमने क्या किया, जो इनपुट वोल्टेज है वो 0.6 से बड़ा कर दिया और 1 वोल्ट से अभी भी छोटा रखा, 0.6 से 1 के बीच में, 0.6 से 1 के बीच में ट्रांजिस्टर का एक्टिव मोड है, जहां पे छोटा सा चेंज वोल्टेज का करंट में बहुत बड़ा चेंज करता है। तो ये छोटे से 0.6 से 0.7 0.8 छोटे चेंज से बेस करंट में बहुत तेजी से चेंज होगा, और बेस करंट अगर बहुत तेजी से बढ़ेगी तो कलेक्टर करंट बहुत तेजी से बढ़ेगी, और अगर कलेक्टर करंट बहुत तेजी से बढ़ेगी तो आईसीआरसी तेजी से बढ़ेगा, तो आईसीआरसी जितना बढ़ेगा आउटपुट उतना कम मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज उतना कम मिलेगा। तो अभी देखो आउटपुट वोल्टेज घट रहा है, अभी समझ में आएगा, आउटपुट वोल्टेज घट रहा है, ये है ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन। कौन सा रीजन, एक्टिव, जहां पे तुम्हारा बेस का छोटा सा चेंज कलेक्टर में आउटपुट में बहुत लार्ज चेंज कर रहा है। ये समझ में आया। अब क्या करो, थर्ड सिनारियो, तुमने इनपुट में वोल्टेज 1 वोल्ट से भी बड़ा कर दिया, एक लिमिट के बाद अगर तुम बड़ा वोल्टेज लगा देते हो तो फॉरवर्ड बायस में धड़ल्ले से डिफ्यूजन करंट चलती है, बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस हो जाता है, और उसके बाद तो तुम्हारा पूरा सैचुरेशन आता है, सारे जो होल्स निकले सब कलेक्टर पे पहुंच जा रहे हैं, तेजी से निकल रहे हैं, तो वो सैचुरेशन आईसी इतना ज्यादा हो चुका है कि अब आउटपुट में कोई वोल्टेज ही नहीं मिल रहा, और ऑलमोस्ट वोल्टेज जीरो हो गया, कितना हो गया, जीरो। तो इनपुट जब कम था तो आउटपुट ज्यादा, और इनपुट ज्यादा तो आउटपुट कम, समझ में आया। ये बना स्विच, ये बना स्विच, इनपुट कम तो आउटपुट अभी आ रहा है, और तुमने जहां अपना इनपुट लगा दिया बंद करने के लिए तो आउटपुट कम, ये होता है ट्रांजिस्टर का स्विच मोड। ट्रांजिस्टर को स्विच मोड में चलाने के लिए उसको 0.6 से 1 वाले रीजन में नहीं चलाते हैं, पहले वोल्टेज 0.6 से कम रहते हैं तो कट ऑफ, और फिर 1 वोल्ट से ज्यादा तो सेचुरेशन, बस यही, बस 2 वोल्ट में चलाते हैं। अरे यानी सर ऐसे नहीं है, ये एनालॉगी थी समझने के लिए, ये समझने के लिए कि ऐसे ही कर करता है कुछ कुछ ऐसे, समझ में आया। तो ट्रांजिस्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कैसे जितने के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो मैं तुमको कुछ करके दिखा रहा हूं, है बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल बहुत आसान से क्वेश्चन है। देखो कुछ में मैंने सोल्यूशन दिए कुछ में नहीं दिए, देखो बीटा दे रखा अल्फा चाहिए, सॉरी अल्फा दे रखा बीटा चाहिए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द इमीटर करंट इन ए ट्रांजिस्टर जहां पे बीटा दे रखा आईवी दे रखा है, बीटा दे रखा आईवी दे रखा तो आईसी निकल आएगा, आईसी निकल आएगा तो आई क्या होता है, आईवी प्लस आईसी। तो एक फॉर्मूला ये याद रखना है, बीटा इज इक्वल टू आईसी अपॉन आईवी, और एक फॉर्मूला ये याद रखना है, I इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। बोले बात समझ आई। चलो तीसरा क्वेश्चन, ये एग्जांपल 10, आई सी और अल्फा की वैल्यू चाहिए, बाकी डेटा यहाँ पे फिगर में देखो, बीटा दे रखा है, बीटा दे रखा है, आई ई दे रखा है, आई बी दे रखा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि आई ई दे रखा आई बी दे रखा और आई सी पूछा जाए तो तुम सीधे सीधे लगा दो आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। भाई 12 मिली एम्पियर, 240 माइक्रो एम्पियर, 240 माइक्रो एम्पियर 0.24 बोल सकते हैं, 0.24 मिली एम्पियर, तो आई तो दोनों का सम होती है, तो जो आईसी होगी वो कितनी होगी, 12 में से 0.24 चलेगा तो कितना बचेगा, 11.76। ये समझ में आ गया। और एक बार आईसी मिल गई और मुझसे कोई अल्फा पूछे तो बेटा ये इन्होंने जो भी किया वो उसको छोड़ दो, मुझे बताओ अल्फा का फॉर्मूला होता ही क्या है, अल्फा क्या होता है, अल्फा और बीटा दो अलग अलग चीजें, अल्फा होता है कॉमन बेस करंट गेन, कॉमन बेस, आईसी अपॉन आईई, आईसी कितना आया है 11.76 मिली में ही है, और आईई कितना है 12 मिली, तो 11.6 अपॉन 12 करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.98 आएगा, 0.9। इन्होंने जो किया वो गलत, उसको कोई करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने बता रहा हूं, तुमको बीटा दिया है 49, तो क्या बेटा बीटा को ये नहीं लिख सकते अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो 49 को ये नहीं लिख सकते अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये बनेगा 49 माइनस 49 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ये बन जाएगा 49 इज इक्वल टू 50 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू बन जाएगी 49 बाय 50, डबल कर दो तो 98 बाय 100, और 98 बाय 100 कितना आ जाएगा 0.98, ये क्या है, जो मैं चाहो उससे कर लो,
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करो इसको एक बार ट्राई करो खुद से। कहाँ देख लिया, हटा दिया मैंने सब तो। चलो तब भी मैं समझा देता हूँ अपने से। देखो ये ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के देखो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बुक के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं और सब के सब किरचॉफ लॉ से लगते हैं। V इज इक्वल टू आई आर है ना, सिंपल सा है। और किरचॉफ फर्स्ट लॉ, आई इज इक्वल टू एम बी प्लस आई सी, बस बीटा का एक फॉर्मूला जान लो, पावर गेन का फॉर्मूला जान लो। तो एक ट्रांजिस्टर है जिसका बीटा 45 है और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 किलो ओम, ये 1 किलो ओम दिख रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लिखा है इन्होंने 1 वोल्ट। तो अगर इसमें वोल्टेज 1 वोल्ट है तो क्या मैं इसमें इसके लिए V इज इक्वल टू आई आर लगाऊं? तो इसमें I कितनी है, आई सी मल्टीप्लाइड बाई R कितना, 1 किलो ओम है ना। तो आई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10^3 यानी कि 10^-3 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। अगर कलेक्टर की करंट आ गई तो जो बीटा होता है 45 वो क्या होता है, आई सी अपॉन आई बी, तो आई बी भी निकल आएगा। आई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई सी 1/45 मिली एम्पियर, यही तो चाहिए थी बेस करंट है ना। और इन्होंने नहीं पूछा, बट अगर आई पूछी जाती तो वो भी निकाल सकते थे, आई बी प्लस आई सी, अल्फा भी निकाल सकते, सब कुछ निकाल सकते थे। बोलो क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन करो एक बार सोच देखो। नहीं इसमें है क्वेश्चन, इसमें जो है कुछ अच्छे क्वेश्चन है, इसको ट्राई करोगे, अच्छा क्वेश्चन करो, नहीं करोगे करो। चलो मैं बता देता हूं, हाँ अभी हो रहा है। देखो देखो सबसे पहले इन्होंने पूछा बेस करें, ये वाला सर्किट है इनपुट सर्किट, ये वाला सर्किट है आउटपुट सर्किट। इनपुट सर्किट में मैं किरचॉफ इक्वेशन लगाने जा रहा हूं और यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से देख रहा है ये पॉइंट। तो मुझे बताओ किरचॉफ इक्वेशन तो लगाना आता है ना, किरचॉफ इक्वेशन में नहीं आता, बतला गोविंद तो बताओ क्या करें यहां से किरचॉफ इक्वेशन इनपुट सर्किट में, प्लस का 5 माइनस आई इंटू आई कितनी है, आई बी, आई बी आर वन कितना है 8.6 10^3। अब यहां पे आके तुमको एक चीज बता दूं, नहीं यहां पे देखो, यहां पे जब आओगे ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर, तो यहां से बेस और इमीटर के बीच में छोटा मोटा वोल्टेज 0.3 0.4 टाइप का कुछ होता है। और देखो यहाँ पे लिखा भी इन्होंने, टेक द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन बेस एंड इमीटर इज 0.7। तो बेस से मीटर में आने पे तुमको बेस और इमीटर के बीच में वोल्टेज ड्रॉप को हटाना है। और फिर जब तुम यहाँ पे आओगे तो देखो इमीटर कितने पे अर्थिंग कर रखी है, तो इमीटर का वोल्टेज 0, उसको 0 पे ले आओ। तो ये हो गया 5 माइनस VB, VB की वैल्यू कितनी 0.7 इज इक्वल टू IB इंटू 8.6 इंटू 10^3। तो IB की वैल्यू आएगी 5 में से 0.7 के, तो कितनी बची 0.3, 4.3 डिवाइड बाई 8.6 इंटू 10^-3, तो ये आ जाएगा IB इज इक्वल टू 0.5 मिलियन, ठीक है। तो देखो पहला हो गया मेरा बेस करंट, अब मुझे कलेक्टर करंट चाहिए, तो कलेक्टर करंट बीटा दिया हुआ है 100, तो IC जो होगा वो कितना बन जाएगा, IC को सीधे सीधे लिखते बीटा है भी, तो 100 इंटू 0.5 तो 0.5 इंटू 10 50 मिली एम्पीयर दोनों हो गए। अब आते हैं कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, तो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज लेने के लिए मैं आउटपुट सर्किट में किरचॉफ इक्वेशन लगाऊंगा। आउटपुट सर्किट में चलते हैं, आउटपुट सर्किट में यहां से चल रहे हैं, बताओ क्या लिखे इक्वेशन, प्लस कट है, प्लस कट है
माइनस आईसी, आईसी रखते चलते हैं, आईसी कितनी आई थी 50 मिली एम्पीयर इनटू कितना लिखे 100 ओम। फिर यहां पे आओ, यहां पे आने के बाद तुरंत जंप मत करो, वीसी लिखो, वीसी ई, क्योंकि सर्किट ही तुम्हारा इधर सी से ई के बीच में इधर आ रहा हो, और फिर इधर आ रहा हो मीटर पे कितना मीटर कॉमन है, कॉमन मीटर सर्किट है ये। अब ये वीसी तो मुझे निकालना था कलेक्टर मीटर वोल्टेज, तो वीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 में से 5 गए, तो 10 में से 5 गए तो कितना बचा 5, तो कलेक्टर मीटर के बीच में वोल्टेज कितना आएगा 5। अब लास्ट बचा कलेक्टर और बेस का, कलेक्टर और बेस, कलेक्टर और बेस के बीच में वोल्टेज, मतलब मुझे सीबी चाहिए, क्या चाहिए वी सीबी, तो क्या ये मुझे बताओ ये लिख सकते हैं वी सीबी इज इक्वल टू वी सीबी प्लस वीबी लिख सकते हैं, है ना। पिछले क्वेश्चन वी सीई तुमने निकाला 5 है, वी सीबी कलेक्टर बेस मुझे चाहिए, और वीबी बेस और मीटर के बीच में कितना है 0.7, तो इसका मतलब है कलेक्टर और बेस के बीच में कितना आएगा 4.8। बस ऐसे ही करने होते हैं क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इससे ज्यादा मैक्स माइनस वीसी क्यों लिखा, माइनस वीसी क्यों लिखा है यार, एक सेकंड, कलेक्टर से मीटर में जाओगे तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो उस ड्रॉप को तो लेना पड़ेगा ना, कलेक्टर और मीटर सेम पोटेंशियल पे नहीं है। यस चलो अब आते हैं, ये ट्रांजिस्टर का काम खत्म, डायोड खत्म, हाँ बीटा स्क्वायर आरएल भाई आ रहे हैं, नहीं ये खत्म कर लेते हैं, हेलो जी, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, जाओ जल्दी जाओ, दो मिनट रुके, ठीक कहाँ पे कौन से इनटू माइनस 100 यहां से आते वोल्टेज नहीं, और करंट के अलावा चलते तो वोल्टेज का ड्रॉप, इसलिए करंट के अलावा वोल्टेज का ऑनलाइन में सबको समझ में आ गया ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन, वैद यस सर, तुम लोगों को एक वो पीटीएम का वो मिला होगा, पीटीएम की मतलब फीडबैक वाला फॉर्म, पीडीएम हुई कि नहीं हुई, तुम्हें पीडीएम ही नहीं हुई, नो सर, फॉर्म तो वहां पे है ना एमएस टीम्स में, फॉर्म तो एमएस टीम्स में है, नहीं है, अच्छा वो चैनल ही चेंज हो गया, वो दिख ही नहीं रहा होगा, नहीं है सर, क्योंकि पीडीएम हुई कि नहीं हुई है, जिसने ली हो उसका नाम लिख दो, तो अगर तुम्हारी सबसे हुई है पीडीएम तो उनका नाम लिखो, तुम्हारी एक ही टीचर से हुई तो उनका नाम लिखो, जितने भी लोग ऑनलाइन में जिनकी पीडीएम हो गई वो लोग नाम लिख देना, अपना पीडीएम फीडबैक फॉर्म भर देना, पीडीएम फीडबैक फॉर्म भर दिया, उसको तो मिल गया, तुमको मिल गया पीडीएम, पीटीएम हो गई ना तुम लोगों की, एक फॉर्म है उसमें भर देना कि हाँ पीटीएम हो गई है, और जिसने लिखी है उस तो जिसने की है पीटीएम, तीनों टीचरों ने की तो तीनों का नाम लिख देना, किसने जिसने की हो उसका नाम लिख देना, आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते
लॉजिक गेट से स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट्स देखो ऐसा है, अल्टीमेटली ये जो ट्रांजिस्टर है या डायोड है वो यूज किसकी तरह होते हैं, वो स्विच की तरह यूज होते हैं, 0-1 की तरह। तो पहले, बहुत पहले जब कंप्यूटर नहीं भी बने थे तो भी हमारे पास मैथमेटिक्स जो थी वो एक 0 से 9 डिजिट्स वाली होती है, जिसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, 10 डिजिट्स वाली, और एक बूलियन अलजेब्रा सेपरेटली डेवलप की गई थी जिसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। कितने होते हैं? 0 और 1। और किसी को मालूम ही नहीं था कि बूलियन अलजेब्रा बाद में जाके बहुत यूज होगी। अब हमारे जो सर्किट्स होते हैं, जो तुम्हारे बाइनरी सर्किट या डिजिटल सर्किट्स होते हैं, उनके पास जो भी इनपुट जाता है वो 0-1 के फॉर्म में जाता है। मैंने तुमको बताया था कि एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है ASCII, बता दो रहा हूं। उसमें क्या है, ए से लेके जेड सारे सिंबल, सारे नंबर का एक कोड है 0 और 1 के टर्म्स में। एवरीथिंग जो हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में बनी हुई है या मोबाइल में बनी हुई है, उसका 0 और 1 के टर्म्स में एक वैल्यू होती है। 0 और 1 के टर्म्स में क्या होती है? वैल्यू। वो वैल्यू उस कोड में है, वो तुम निकाल भी सकते हो, बना भी सकते हो, बट वो हमारा भी काम नहीं है। बट अल्टीमेटली जो भी इन डिजिटल सर्किट में जाता है वो इनपुट सिर्फ और सिर्फ 0-1 के टर्म्स में जाता है, और जो भी आउटपुट मिलता है वो भी किसके टर्म में? 0-1। वो 0-1 के टर्म्स में होता है, लेकिन वो कन्वर्ट करके हमको मिलता है। अब वो तुम्हारा एक, तुम्हारा कंप्यूटर और इसके बीच में एक तुम्हारा समझ लो कि इंटरफेस है, वो 0-1 को, हमारा जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया उसको 0-1 में कन्वर्ट भी करता है, और वापस आते वक्त उसको फिर 0-1 से हमारे, हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जो बोलना चाहो उसको बोलो, नाम बोल सकते हैं। वो एक तरीके से हमारे और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में एक चैनल है। हाँ, अब ये जो बाइनरी इनपुट दिया जाए और बाइनरी आउटपुट हमें मिले, तो बाइनरी इनपुट देने पे कौन सा बाइनरी आउटपुट मिले ये डिपेंड करेगा कि हम उस पर कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या उस पर करना चाहते हैं, उसको हम क्या करना चाहते हैं, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो इस टाइप से तुम समझ लो जैसे वहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते थे, तो इस टाइप के जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उनको लॉजिक गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजिक। इनपुट बाइनरी, आउटपुट भी बाइनरी, और उनपे हमने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया। कैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन किया? तो बहुत टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं, बहुत टाइप के, बट अपने सिलेबस में, अपने सिलेबस में नॉट एंड और, नॉट ऑफ एंड यानी कि NAND, नॉट ऑफ और यानी कि NOR, XOR एक्सक्लूसिव और, पर XNOR एक्सक्लूसिव NOR। तो 1 by 1 में एक एक लॉजिक गेट में क्या उसका सिंबल है, क्या उसमें करते हैं, और उसकी एक पॉसिबिलिटी की मैट्रिक्स जिसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं। पॉसिबिलिटी की मैट्रिक्स का मतलब है कि हम ऐसा इनपुट डालेंगे तो कैसा आउटपुट मिलेगा। सब कुछ 0-1 के फॉर्म में है, 0-1 के फॉर्म में इनपुट है, 0-1 के फॉर्म में आउटपुट है, तो जो उसकी पॉसिबिलिटी मैट्रिक्स होती है उसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। करते हैं 1 by 1। सबसे पहला लॉजिक गेट है और। क्या है? और का देखो मतलब क्या होता है, और का मतलब ये होता है, अगर तुमने सेट थोड़ी भी पढ़ी हो तो जैसे मान लो ये तुम्हारे एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें ए और बी बनाए मैंने, तो ये जो सिर्फ ए है, जो जहां पे बी का कॉमन हटा दो, सिर्फ ए, वो है इधर ए, सिर्फ बी है वो और बी है, और जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है वो ए एंड बी बोथ है, वो क्या है? एंड बी बोथ। और जो बाहर जहां पे मैंने डॉट नहीं बनाया वो क्या है? नीदर ए नॉर बी, वो नीदर ए नॉर बी। तो खाली नीदर ए नॉर बी को छोड़ दो, इधर ए और बी और बोथ, इधर ए और बी और बोथ को ही और गेट बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर सिर्फ ए ऑन है तो भी हमारा आउटपुट ऑन है, ऑन का मतलब 1 है, ऑफ का मतलब 0 है। अगर बी ऑन है तो भी आउटपुट ऑन है, लेकिन अगर ए बी दोनों ऑन है तब भी ऑन है, इधर ए और बी और बोथ, लेकिन अगर नाइदर इन और बी हो गया, दोनों ऑफ है, तो ये सर्किट ऑफ। कैसे? ये देखो ऊपर, ऊपर सर्किट बनाया मैंने, S1 एक स्विच है, S2 एक स्विच है, दिखने में स्विच नॉर्मल स्विच है लेकिन एक्चुअल में वो ट्रांजिस्टर वाले, कैसे है? ट्रांजिस्टर या डायोड वाले स्विच है। अब देखो मान लो मैंने क्या किया, दोनों स्विच खोल के रखे तो बल्ब से करंट जाएगा, भाई बल्ब में करंट कहीं से नहीं जा पाएगा, तो ऑफ है बल्ब, लेकिन अगर स्विच S1 क्लोज S2 ओपन तब भी करंट गई, बल्ब जल गया, S2 क्लोज S1 ओपन तब भी बल्ब जल गया, और दोनों स्विच क्लोज है तब भी करंट गई, बल्ब जल गया। दोनों में से कोई भी एक चल जाए या दोनों चल जाए, दोनों में से कोई एक या दोनों चल जाए तो बल्ब ऑन,
तो इसकी जो पॉसिबिलिटी मैट्रिक्स बनेगी वो ये देखो नीचे ट्रुथ टेबल बनाई है मैंने, बनी पहले से बनी है, अगर दोनों जीरो तब जीरो है, बाकी अगर एक वन है जीरो वन वन जीरो तब भी वन है, और दोनों वन है तब भी वन, ये होता है और गेट। क्या होता है और में तीन केस में वन है और एक केस में जीरो, वो वही वाला केस है जब ना तो ए ना तो बी। बनाते कैसे हैं तो डायोड से बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं डायोड, दो फॉरवर्ड बेस्ड डायोड ले लिए। अब इधर तुम्हारा रेजिस्टेंस दिखा दिया आप, जब जब इस रेजिस्टेंस आर में करंट जाएगी वोल्टेज मिलेगा तो हम बोलेंगे आउटपुट ऑन है। तो देखो ए को फॉरवर्ड बायस किया, ये देखो एक स्विच है यहाँ पे और ये टू वे स्विच है, ये ए से भी कनेक्ट हो सकता है, बी से भी कनेक्ट हो सकता है, अलग अलग भी और एक साथ भी। तो अगर वो सिर्फ ए से कनेक्ट है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में करंट देता है, पहुंचा देगा आउटपुट ऑन। बी से कनेक्ट है तो भी डायोड पहुंचा देगा, दोनों से कनेक्ट है दोनों फॉरवर्ड बायस है दोनों करंट पहुंचा देंगे, लेकिन अगर दोनों में से किसी के से कनेक्ट नहीं है कोई भी डायोड ऑन नहीं है तो करंट जाएगी कैसे, ओपन सर्किट में तो कोई करंट नहीं होती, इसलिए जब दोनों जीरो है तब सर्किट में आउटपुट जीरो। समझे, और गेट का सिंबल होता है प्लस, और गेट का सिंबल होता है प्लस, तो ए और बी दो इनपुट डालो और एक आउटपुट मिलना है, तो हम उसको दिखाते हैं ए प्लस बी से, कैसे दिखाते हैं ए प्लस ए बी ए प्लस बी, और को प्लस से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं प्लस, और इसका जो जो ग्राफिकल सिंबल है वो इस टाइप का दिखाते हैं, ये जो दिख रहा है ये इस टाइप का सिंबल स्पेसिफिक टाइप का, ये तुम्हारा देखो ए दिखाया बी दिखाया इनपुट आउटपुट में मिला वाई, दो इनपुट एक आउटपुट, दो इनपुट एक आउटपुट, दो इनपुट कौन से ए और बी, ये देखो ए जीरो बी जीरो ए वन बी जीरो ए वन बी वन, तो ये जो तुम्हारा सिंबल तुम्हारा स्पेसिफिक टाइप का है ये और गेट। अरे यार स्पेसशिप पुराने जमाने में बचपन में जो छोटे बच्चे ऐसे ही उड़ाते थे ऐसे, यार तुम कैसी बात कर रहे हो, ऐसे वाले तुमने स्पेसशिप, अरे ठीक है तो सर्किल बना लो, स्पेसशिप नहीं बोलते इसको, बोले नहीं और गेट का सिंबल है, और गेट का सिंबल और गेट के सिंबल की तरह बनाते हैं, ठीक है। चलो तो ये ए प्लस बी का सिंबल है, किसका सिंबल है ए प्लस बी, बोलो यार समझ आ गया, सिंपल सा है। अब आते हैं एंड, एंड का ट्रुथ टेबल छोड़ो पहले ये देखो जो मैंने वेन डायग्राम वाला बनाया है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, क्या होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वो होती है जहां पे दोनों ऑन है, बोथ है, तो एंड को हमेशा ऐसे रीड करना बोथ ए एंड बी, एंड को कैसे रीड करोगे बोथ ए एंड बी, एंड को कैसे रीड करोगे बोथ ए एंड बी, तो जब बोथ ऑन हो तभी ऑन है, जब ए वन है बी वन है सिर्फ और सिर्फ तब वन है, बाकी हर केस में जीरो है, चाहे ए ऑफ चाहे बी ऑफ चाहे दोनों ऑफ, हर केस में जीरो, जब बोथ ऑन है वन वन सिर्फ उस केस में वन देगा, सिर्फ उस केस में, और जैसे जैसे दोनों जो स्विच है उनको सीरीज में लगा दो, किसमें लगा दो सीरीज, तो अगर एक भी स्विच खुला रह गया और दोनों खुले रह गए कभी करंट नहीं जाएगी, लेकिन अगर दोनों बंद कर दो प्रेस कर दो क्लोज कर दो तभी तो स्विच तभी तो करंट जाएगी, तो अगर वो दोनों स्विच पैरेलल में लगे थे तो वो और गेट की तरह बिहेव कर रहा था, और दोनों अगर सीरीज में लगे तो किसकी तरह एंड, हाँ तो अब ये तभी तो एक बंद होता तो सारे बंद हो जाते हैं, हाँ तो वो एंड गेट की तरह काम कर रहा है। तो अब मुझे बताओ, चलो चलो इसका इसका सिंबल, इसका सिंबल डॉट होता है, इसका सिंबल क्या होता है डॉट, तो ए बी ए डॉट बी, ए बी ए डॉट, और इसको हम डी की तरह दिखाते हैं, बड़े से डी स्ट्रेच डी की तरह, ये दो डी बना हुआ है, अभी ये मत बोलना कि डी भी नहीं है, डी तो दिखा होगी कि नहीं, अरे यार तुम क्या क्या इमेजिन कर रहे हो, चलो ये एक डी की तरह है, चलो अच्छा एंड गेट का सिंबल एंड गेट की तरह है, चलो ए बी ए डॉट बी, ठीक चलो इसका इसको डायोड से कैसे बनाते हैं, डायोड को रिवर्स कर दो, डायोड को क्या कर दो रिवर्स, तो डायोड को रिवर्स करने का मतलब है कि अब अगर तुम कहीं पे भी तुम लगा दोगे वोल्टेज कनेक्ट कर दोगे तो वो रिवर्स बायस पे कोई करंट नहीं देता, तो जब तुम्हारा दोनों ऑन है तो दोनों ऑन होंगे तो क्या होगा, तो देखो ये तुम्हारा दोनों यहाँ पे अगर मैं लगा दूंगा तो दोनों रिवर्स बायस है, और दोनों रिवर्स बायस होंगे तो यहाँ जो तुम्हारा वी बैटरी है सीधे सीधे लोड में करंट देगी, लोड में करंट देगी, लोड में वोल्टेज मिलेगा और सर्किट में इधर जाएगा तो आउटपुट ऑन है, अदरवाइज अगर इन दोनों डायोड में से किसी से भी चली गई तो यहाँ पे आउटपुट वाई नहीं मिलेगा, समझे, तो सुनो ध्यान से फिर से, ये सर्किट है हिस्सा बढ़ा देता हूँ और फिर से तुमको बताता हूँ, इस सर्किट पिछले वाले सर्किट से डिफरेंट है, आउटपुट यहां लेना है, इनपुट यहां दिए जा रहे हैं, आउटपुट यहां है, इसका मतलब है कि आउटपुट तब मिलेगा जब करंट यहां जाए,
ये बात समझ आई? अब चारों पॉसिबिलिटी वन बाय वन बताता हूं। सबसे पहले ए जीरो बी जीरो, ए बी जीरो बी बी जीरो, तो लेकिन नहीं कुछ है। अब ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो रखे देखो, क्योंकि इनका जो पी है ये इधर देखो बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है। आप सुन रहे हैं? तो अगर दोनों जीरो हैं तो ये दोनों डायोड कैसे है? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट देंगे तो करंट ऐसे चली जाएगी, और ऐसे चली गई तो आउटपुट में तो नहीं गई ना, इधर आउटपुट तो इधर गई, तो इसके अलावा आउटपुट कितना है? जीरो। ठीक, आप सुन रहे हैं? अब अगर ए जीरो बी वन या ए वन बी जीरो, तो अगर एक भी जीरो है, एक भी जीरो होने का मतलब है कि एक एक भी फॉरवर्ड बायस है, तो उससे तो करंट चली जाएगी ना, तो तुम्हारा आउटपुट जीरो है। लास्ट पॉसिबिलिटी दोनों वन, यानी कि दोनों को रिवर्स कर दिया, तो दोनों में से कोई करंट नहीं जा रही है, तो करंट इधर नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? इससे कहीं से तो जाएगी, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ इधर जुड़ लेगी, अर्थिंग की तरफ। आप समझ में बोलो, आप समझ आ गया? तो हाँ, तो एंड गेट में क्या होता है, जब दोनों वन वन होते हैं तब तुम्हें वन मिलता है, दोनों वन वन होते तो क्या मिलता है? वन। बोलो समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट, नॉट ऑपरेटर। नॉट का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। वैसे नॉट का मतलब होता है कि जो भी तुम्हारे पास है वो नहीं है। अब तुम्हारे पास सेट में दो ही चीजें जीरो और वन, तो अगर जीरो नहीं है तो क्या बचेगा? वन। और वन नहीं है तो क्या बचेगा? जीरो। तो ये तो अपोजिट ही हो गया, जीरो का अपोजिट वन हो गया, वन का अपोजिट जीरो भी हो गया, और ये वो भी हो गया कि ये नहीं है। तो इसको तुम ऐसे समझ लो, नेगेटिव समझ लो या अपोजिट समझ लो। तो इसका सिंबल होता है बार। क्या होता है? बार। और इसको देखो कैसे तुम इमेजिन करोगे, ये देखो बार बार, ये बार जो बना हुआ है, ए बार, ए के ऊपर बार बना है। क्या बना है? बार। ए बार इज इक्वल टू वाई। इसको सेट थ्योरी में कैसे देखोगे? ये ए, तो ए को छोड़ के जो कुछ यूनिवर्सल सेट में बचे, हाँ, तो अगर तुम्हारा ए जीरो है तो बाहर क्या बचेगा? वन। और ए वन है तो बाहर क्या बचेगा? जीरो। जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो, सिंपल सा, उसको नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉट। अब ये स्विच के टर्म से देखो, यहां से बैटरी से करंट आ रही थी, बात मत करो, यहां से बैटरी से करंट आ रही थी, ये करंट जा रही है इधर। अब अगर स्विच ओपन है तो ये करंट बल्ब में चली जाएगी, बल्ब जल जाएगा। ये ट्राइंगल एक ऐसा टू वे स्विच है कि अगर इधर ऐसे राजू इधर है, अगर तुमने इसको करंट इसके तुमने इधर झुका दिया तो ये स्विच एस बंद हो जाएगा, और इसको उठा दिया तो स्विच एस खुल जाएगा, ऐसे तार उसका छूता रहेगा सर, है ना? हाँ, तो अब देखो क्या हुआ, अभी स्विच ओपन था तो यानी कि जीरो था, तो आउटपुट फुल मिल रहा है। लेकिन अगर तुमने स्विच कनेक्ट कर दिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, जैसे ही तुम इसको बेटा कनेक्ट कर दोगे तो ये शॉर्ट सर्किटिंग वायर हो जाएगा बल्ब के, तो वो करंट अंदर से चली जाएगी शॉर्ट सर्किटिंग से, बल्ब से नहीं जाएगी, तो बल्ब क्या हो जाएगा? ऑफ। तो अगर स्विच क्लोज यानी कि वन, तो बल्ब में आउटपुट जीरो, और स्विच जब खुला था तो बल्ब पूरा जल रहा था, तो वन का जीरो, जीरो का वन, यही तुम्हारा नॉट होता है। क्या होता है? नॉट। और इसका सिंबल होता है बार, और इसको ऐसे जो ग्राफिकल सिंबल होता है वो ट्राइंगल के ऊपर एक बबल दिखाते हैं, ट्राइंगल के ऊपर बबल दिखाते हैं, ट्राइंगल के ऊपर बबल। बोले समझ आया? देखो देखो, अभी तो बताया ना, चलो चलो सुनो सुनो फिर से सुनो। देखो हाँ, गुड बोला, तो आप सुनो, इधर टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं एक बार बता देता हूँ। देखो आउटपुट यहां लेना है, इधर लेफ्ट में नहीं लेना है, आउटपुट कहां से लेना है? राइट। ये बात समझ आ रही है? अब जब दोनों जीरो हैं या दोनों में से कोई भी एक जीरो है, जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब ये है कि इससे ये कनेक्ट नहीं है, ठीक, कनेक्ट हो जाएगा तो उसको वन बोल देंगे। अगर कनेक्ट नहीं है तो ये पी है जहां पे मैंने P लिखा है और ये इधर N है, तो P को यहां से देखो ये हाई वोल्टेज मिल रहा है, तो अगर जीरो है दोनों में से कोई भी एक है दोनों, तो वो वाला डायोड फॉरवर्ड बन जाएगा और करंट उस डायोड से होके चली जाएगी, तो आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, तो आउटपुट जीरो आ गया। अब मान लो दोनों वन वन कर दिए, तो तुम देखो ये हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज को अगर तुम एन पे लगा दोगे तो रिवर्स बन जाएगा,
दोनों रिवर्स बन गया, तो दोनों में करंट नहीं जा सकती। तो अगर दोनों में करंट नहीं जाएगी तो यहाँ पे इधर से वोल्टेज किधर, इधर तो जाएगा, उधर जाएगा तो बस आउटपुट में। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। तो कॉम्बिनेशन में चार है, नॉट ऑफ एंड, नॉट ऑफ और, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर। सबसे पहले आते हैं नॉट ऑफ एंड। नॉट ऑफ एंड का मतलब होता है एंड का अपोजिट, नॉट ऑफ एंड, एनएनडी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनएंड। एनएनडी क्या होता है? नॉट ऑफ एंड, एंड का अपोजिट। तो एंड बनाओ उसका उल्टा कर दो। अच्छा एंड क्या होता है? इधर देखो इंटरसेक्शन होता था, तो इंटरसेक्शन को छोड़ के जो कुछ बचा, तो इंटरसेक्शन को छोड़ के ए भी बचा, एक्सक्लूसिव ए, ये जो सिर्फ ए होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ए, एक्सक्लूसिव ए, एक्सक्लूसिव बी, और नीदर ए नॉर बी, सब आ गया। इसका मतलब है कि ए और बी जब तुम एंड बनाते तो क्या बोलते थे? एंड बोलते थे तो जीरो जीरो पे जीरो, वन जीरो पे जीरो, जीरो वन पे जीरो, वन वन पे वन देता था। लेकिन नॉट ऑफ एंड क्या करेगा? जीरो का वन, वन का जीरो। तो तुम देखो ए बी दोनों जीरो बाहर, नॉट ऑफ एंड वन दे रहा है। इंटरसेक्शन को छोड़ के सब कुछ देना ना उसे, ए वन बी जीरो, ये वाला रीजन, इसमें भी वन दे रहा है, बी वन ए जीरो इसमें भी वन, और अगर दोनों वन वन है जी वाला इंटरसेक्शन, इसको तो नहीं देना है ना, इंटरसेक्शन तो एंड में आता था ना, इसका वो क्या दे रहा है? जीरो। समझ में आ रहा है? इसका सिंबल कैसे बना हुआ? तो एंड जो बना रहा था डी वाला, उस डी वाले में ट्रायंगल का जो बबल में बोल रहा था, बबल दिखा दो, बबल किसमें दिखा दे? नॉट में। तो ये एंड में नॉट का बबल दिखा दो तो वो नॉट ऑफ एंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉट ऑफ एंड। फिर से बोल रहा हूं, ये जो डी था ये एंड का था, और इसके बाद तुम चाहो तो पूरा ट्रायंगल बना दो और फिर बबल बनाओ, पर इतना लंबा बार बार नहीं बनाते, तो हम लोग क्या करते हैं? सीधे एक बबल दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? बबल दिखा देते हैं। दो इनपुट डाले ए और बी, और एक आउटपुट मिल गया हमको वाई, ये बन गया ए डॉट बी का बार, यानी कि एंड का नॉट, यानी कि नॉट ऑफ एंड, नॉट ऑफ एंड। समझ में? अब आते हैं नॉट ऑफ आर। नॉट ऑफ आर को एनओ आर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनओ आर। तो इसका मतलब और जो भी करेगा ये उसका उल्टा। और क्या करता था? जीरो जीरो पे जीरो छोड़ के बाकी सब में वन देता था। तो ये क्या करेगा? उसका उल्टा, यानी कि बार है, ए प्लस बी का बार। तो ये क्या करेगा? जहां जहां पे वन है वहां पे जीरो, जीरो का वन। तो ए प्लस बी क्या होता था? इधर ए एक्सक्लूसिव ए और एक्सक्लूसिव बी और बोथ। तो अगर ये उसका उल्टा है तो ये एक्सक्लूसिव ए, एक्सक्लूसिव बी और इंटरसेक्शन सबको छोड़ दो, ए बी सबको छोड़ दो, तो बाकी क्या बचा? नीदर ए नॉर ए बी तो बचा। तो नीदर ए नॉर बी कौन सा है? तो नीदर ए नॉर बी तो ये जीरो जीरो वाला केस है। जीरो जीरो वाले केस में खाली वन है, बाकी हर केस में कितना है? जीरो। बस मैं सीधे सीधे बता सकता हूं। मीनिंग ये, इसका सिंबल क्या है? तो और गेट बनाओ जो स्पेसिफिक वाला है, उसमें बबल दिखा दो। स्पेसिफिक में क्या दिखा दोगे? बबल। इस तो तुम्हारी मर्जी हो, मैं इसको स्पेसिफिक समझता हूँ तो मैं इसको जो मर्जी हो उसको समझ लो, चाइना गेट जो समझता हूँ वो समझ लो। तो ये स्पेसिफिक में बबल दिखा दो, स्पेसिफिक में बबल। तो ये बन जाएगा नॉर। क्या बन जाएगा? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और, इसको XOR भी बोलते हैं, पर तुमको X को रीड करोगे एक्सक्लूसिव। बोलो एक्सक्लूसिव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बोला था एक्सक्लूसिव होता क्या है, तो अगर तुम वेन डायग्राम में देखो, हाँ एक्सक्लूसिव का मतलब केवल ही उसमें इंटरसेक्शन नहीं आना चाहिए। तो ए वन हो और बी जीरो, देखो ए वन बी जीरो तो वन है, या एक्सक्लूसिव बी हो, बी वन हो ए जीरो तो भी वन है। लेकिन अगर दोनों आ गए तो और गेट में तो चलता था, बट यहाँ पे नहीं चलता, और दोनों जीरो तो भाई, तो और का मतलब यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ है, और या तो सिर्फ ए या तो सिर्फ बी, ये मतलब एक्सक्लूसिव और। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ ए और सिर्फ बी और बोथ कर दो, ऐसा नहीं, सिर्फ ए या सिर्फ बी, दोनों वाला नहीं है, है वो और ही, बट एक्सक्लूसिविटी है यहाँ पे, मतलब दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, दोनों एक साथ नहीं। इसका सिंबल कैसे बनाते हो? तो और बनाओगे स्पेसिफिक, उसके पहले लेक ऐसे ऐसे एक ऐसे कर्व बना दोगे, जो कर्व वाली होती है उसके बीच में ऊपर एक पहले एक और लाइन दिखा दोगे, तो ये एक्सक्लूसिव और बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्सक्लूसिव और, जो सिंबल इन्होंने बनाया हुआ है। तो एक्सक्लूसिव और तुमको बताया दिया, इधर ए और बी, किसी को इन्होंने ये भी प्रूफ किया कि एक्सक्लूसिव और ये भी होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी। तो ए बनो बी बनो, ए बार बनो बी बार बनो, ए इंटू बी बार करो मतलब एंड बनाओ, बी इंटू ए बार करो मतलब बी का ए बार के साथ एंड करो, और फिर जो ए बी बार और ए बार बी आए उनको और गेट से जोड़ दो, और गेट से जोड़ दो तो भी बन जाता। तो ये तुमको याद रखने की जरूरत नहीं हो तो तुम ऐसे प्रूफ कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन की तरह, और कुछ नहीं, बाकी मीनिंग यही समझना, इधर ए और बी ओनली। तो एक्स एन ओ आर क्या होगा?
तो ये एक्सक्लूजन और गेट होगा, तो एक्स एन ओ आर को तुम एक्सक्लूजन और को सिंपली समझना एक्सओ आर का उल्टा, एक्सओ आर का उल्टा। तो एक्सओ आर क्या करता था, एक्सओ आर में इधर ए और बी था, इंटरसेक्शन में बाहर नहीं थे, तो जो वो छोड़ता था वही ये लेता है, ये बीच वाला लेगा और बाहर वाला लेगा, बीच वाला और बाहर। तो बताओ बीच वाला कौन सा है जहां पे दोनों वन वन है, तब वन है, बाहर वाला जब दोनों जीरो है तब वन है। और इधर एक्सक्लूसिव ए वाले का नहीं लेगा, एक्सक्लूसिव बी वाले का नहीं लेगा, ये एक्सओ आर का उल्टा है, एक्सओ आर का उल्टा है, इनफैक्ट सिंबल भी यही है, ये एक्सक्लूसिव आर का उल्टा है, एक्सक्लूसिव आर ऐसा बनाया ना स्पेसिफिक वाला, इसमें बबल दिखा दो, क्या दिखा दोगे बबल, तो ये एक्सओ आर बन जाएगा, क्या बन जाएगा एक्स एन ओ आर, बोले बात समझ में। देख तो अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, पर उन क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, कई बार क्या करते हैं इस टाइप के जो सर्किट बने होते हैं उसमें दो लाइन आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको मैं बता दूं उसको कैसे डील करते हैं। जब भी कभी ए और बी दो इनपुट हो उनको एक एक लाइन से जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं सेम फीड, क्या बोलते हैं सेम फीड, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेम फीड एन ए एन डी और एन ओ आर के साथ किया जाता है। तो मैं तुमको करके दिखा रहा हूँ, ये समझा ना, ये एंड है और ये बबल बना है तो ये एन ए एन डी है, और ये ए और बी कनेक्ट कर दिए गए तो सेम फीड, तो ये सेम फीड एन ए एन डी है, सेम फीड एन ए एन डी। तो अब मैं तुम्हें करके दिखाऊँ, सेम फीड का मतलब होता है कि मान लो वो फीड एक्स है, जो भी यहाँ पे इनपुट डालोगे ए और बी कनेक्ट होने का मतलब है कि वही ए में जाएगा और वही बी, सेम फीड। तो या तो ए और बी दोनों में जीरो जीरो गए, या तो ए और बी दोनों में वन वन गया। तो अगर जीरो जीरो जाता तो एंड क्या देता, जीरो, तो नॉट ऑफ एंड क्या देगा, वन। और अगर ए और बी में दोनों में वन वन जाता तो एंड क्या देता, वन वन, नॉट ऑफ एंड क्या देगा, जीरो। अब तुम देखो इनपुट जब जीरो था तो आउटपुट वन है, और इनपुट जब वन है तो आउटपुट जीरो, ये तो नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर किसी सर्किट में सेम फीड एन ए एन डी बना है तो वो सिंपली नॉट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नॉट। तो मैंने लिखा है सेम फीड एन ए एन डी या एन ओ आर बिहेव लाइक नॉट गेट, किसकी तरह बिहेव करते हैं। अब एन ओ आर भी करके दिखा रहा हूं, ये देखो ये और है, इसमें बबल बना एन ओ आर है, इसमें ए और बी को सेम फीड डालना है, तो ए और बी सेम फीड का मतलब या तो जीरो जीरो या तो वन वन, जीरो जीरो पे और क्या देता, जीरो, वन वन पे वन, उल्टा करो जीरो का वन, वन का जीरो, देखो जीरो पे वन, वन पे जीरो, ये भी क्या बिहेव कर रहा है, नॉट, समझ में। अब एन ए एन डी और एन ओ आर जो है वो किसी भी डिजिटल सर्किट का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, क्योंकि एन ए एन डी और एन ओ आर से कुछ भी बना सकते, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं। अभी तुमने देखा एन ए एन डी और एन ओ आर से नॉट गेट बनाते हुए, क्या बनाते हुए, नॉट। तुम एन ए एन डी से एंड भी बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, देखो मेरी तरफ देखो, एन ए एन डी से एंड बनाना है तो एन ए एन डी का नॉट कर दो, एन ए एन डी का कर दो नॉट, एन ए एन डी लो नॉर्मल एन ए एन डी, उसमें ए ओ बी दिखाओ, एन ए एन डी का जो आउटपुट आए उसको सेम फीड एन ए एन डी में डाल दो, सेम फीड एन ए एन डी नॉट करता उल्टा कर देता है, तो नॉट ऑफ एंड का भी उल्टा, एंड का उल्टा नॉट ऑफ एंड, उसका भी एक बार उल्टा कर दोगे तो दो बार उल्टा करने से वही चीज मिल जाएगी, तो एंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एंड। ठीक, तो इसका मतलब कि एन ए एन डी से एंड भी बन सकता है, नॉट तुम्हारे सामने है, इसी तरीके से और भी बन सकता है। और बनाने के लिए क्या करते हैं, ए का उल्टा ए बार, बी का उल्टा बी बार, और दोनों को एन ए एन डी में जब डाल देते हो ए बार डॉट एंड बी बार, और फिर उसका नॉट करते हो तो वो एक और की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, और इसलिए एन ए एन डी से सब कुछ बन सकता है, एन ओ आर से सब कुछ बन सकता है, इसी तरह से, इसलिए ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। ठीक, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, कौन सी गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं टू टेबल के, तुम लोग कम से कम इतना तो करा ही दो यार, हटा देता हूँ, टू टेबल बनाते हैं दोनों की, क्या करना है मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले करना है हमको एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15 बताओ, गेट तो पहचानो कौन सा है, गेट भी नहीं पहचानो, ये क्या है, ये ए प्लस बी लिखा है, तो एग्जाम्पल 15 का ए सबसे पहले ए प्लस बी लिखा हुआ है, यानी कि और गेट बना हुआ है। अब इस और गेट से जो आउटपुट आया यानी ए प्लस बी आया, उसको किसमें फीड किया गया, एंड में फीड किया गया, किसके साथ किया गया, ए के साथ, किसके साथ, ए, तो डॉट कर दो एंड में, किसके साथ कर दो, ए, ये यही हमारा वाई है,
लॉजिक गेट पहचान गए, अभी ट्रुथ टेबल बनाए इसकी, चलो बनाते हैं, ए बी ए प्लस बी और ए प्लस बी का ए के साथ डॉट, हमेशा पॉसिबिलिटी ऐसे लिखा करो, जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन लास्ट में वन वन, ऐसे स्टार्ट किया करो। अब मुझे बताओ सबसे पहला ए प्लस बी है, ए प्लस बी जीरो जीरो पे वन जीरो पे वन जीरो वन पे वन वन पे वन, अब इसका सिर्फ और सिर्फ ए बी भूल जाओ, एंड करना है, क्या करना है एंड, जीरो जीरो का एंड जीरो, वन वन का एंड वन, जीरो वन का जीरो, वन वन का वन, यही आ गया आंसर, क्लियर। अब दूसरा बी बताओ, 15 का बी बताओ कौन सा है, पहले गेट पहचानो, एंड 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 है और फिर और, तो क्या ऐसे लिखना चाहिए, ए डॉट बी, ए डॉट बी और किसके साथ है, यानी कि प्लस किसके साथ है, ए के साथ, इसकी भी टू टेबल बना लोगे, चलो बनाते हैं, इसी में बगल में बना देते हैं, ए डॉट बी और फिर ए डॉट बी प्लस ए, तो ए डॉट बी करते हैं, जीरो जीरो का जीरो, वन जीरो का जीरो, जीरो वन का जीरो, वन वन पे खाली वन देता है, अब इसको प्लस करना है, इसी चीज को प्लस करना है, यानी और बनना है किसके साथ, ए, तो जीरो जीरो का और जीरो, वन जीरो का सॉरी वन जीरो का वन, फिर जीरो जीरो का जीरो और वन वन का वन, आ गए समझ में। अब आते हैं लास्ट 16th, 16 देखो ये क्या है और ये क्या है, ये और में बबल भी है तो नॉर है और नॉर में सेम फीड भी है, तो सेम फीड एनओ आर अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, नॉट की तरह बिहेव करता है, इसको नॉट ही रीड करना, तो और में नॉट लगा है, फाइनली जाके और में नॉट लगा है, तो नॉट ऑफ और क्या बन जाएगा, नॉर, और का नॉट क्या बन जाएगा, नॉर, ठीक, नॉर का मतलब क्या, और क्या देता था, इधर ए और बी और बोथ, तो उसका नॉर का मतलब है कि उसको हटा दो, उल्टा कर दो, तो नीदर ए नॉर बी सिर्फ बचा, तो जब खाली नीदर ए नॉर बी, ए और बी दोनों जीरो होंगे तब बन देगा, बाकी हर केस में क्या देगा, जीरो, टू टेबल क्या बनेगी, जब ए और बी दोनों जीरो है तब बन देगा, बाकी हर केस में जीरो, बोले बात समझ में आई, लॉजिक गेट खत्म, ये चैप्टर खत्म, इसकी पहले पीडीएफ भेज देता हूँ फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये समझाया कि और है, ये समझाया और भी नहीं समझाया था, ये तो और है, ये नॉट समझ में आया था, तो और पे जब नॉट लगा देते तो उसको क्या बोलते हैं, नॉट ऑफ और को क्या बोलते हैं, नॉट ऑफ और को क्या बोलते हैं, ये क्या लिखा है, नॉट ऑफ और को क्या बोलते हैं, तो वही तो लिखा है नॉट, पहले ये बताओ नॉट ऑफ और को नॉर बोलते हैं, तो यहां पे नॉर लिख दे, अब नॉर होता क्या है, नीदर ए नॉर बी इसको बोलते हैं, ये है? अब मैं इसके ट्रुथ टेबल बना रहा हूं, जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन 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 और सीधे नॉर लिख रहा हूं, सीधे सीधे फाइनल आंसर, तो जीरो जीरो जब दोनों नहीं है तो वन वन जीरो, यानी कि जीरो वन 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 पे, ये तो बोला था नहीं, ए बी जब मैंने बोला था दोनों जीरो होंगे नीदर इन और भी, हाँ तब तुम्हारा वन होगा, बाकी हर केस में कितना होगा, इनपुट वाले हैं हमारे सिलेबस में, टेबल जो बनाई उसमें थर्ड वाला, ये वाला नीचे, ये ए प्लस बी डॉट ए जीरो वाला, देखो डॉट का मतलब क्या है, बात मत करो, डॉट का मतलब ये होता है एंड, एंड सिर्फ एक केस में वन देता है जब दोनों वन होते हैं, तो जीरो और वन दोनों वन तो नहीं है इसलिए जीरो देगा, ऊपर वाला वन वन है, तुम शायद आगे पीछे रीड कर रहे हो, ठीक है क्लियर, अब बोलो अवैध क्या बोल रहे, बात बंद करो, सर तीन इनपुट वाले हैं सर, तीन इनपुट वाले हो चाहे चार इनपुट वाले हो, तुमको करने का तरीका ये रखना है, लेकिन अपने सिलेबस में दो ही इनपुट हैं, उन्हीं दो इनपुट से तीन इनपुट बनाएंगे, इनपुट दो ही रखेंगे, ठीक है, यस, पहले मैं इसकी पीडीएफ भेज देता हूं, इसका नाम था सेमीकंडक्टर्स।
अब कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं।